उनकी 28वीं ये पुण्य जयंती अभी भी देश के नौजवानों, देश के किसानों, देश के पंचायती राज से जुड़े हुए लाखों लाख नए नेतृत्व के लिए सूत्रधार के तौर पे राजीव गांधी को याद किया जाएगा। ये तो कहिए कि राजीव जी की शहादत दिवस है, 28वीं शहादत की शहादत दिवस, वक्त जो है भले ही अपनी रफ्तार से चलता है, लेकिन कुछ ऐसे देश के सपूत होते हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। राजीव गांधी दो चार पांच बहुत चीजों को न भी गिनाया जाए तो मैं समझ सकता हूं कि पहला, उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो शुरुआत किया था, जिससे आज लाखों 60% से ज्यादा महिलाएं गांव की नेता बनकर के आज उभरी हैं, और पंचायतों को एक 73वां और 74वां संशोधन के तहत अधिकार दिलाने का उनका सपना कुछ हद तक पूरा हुआ है, अभी बाकी है। दूसरा जो सबसे बड़ा रिवोल्यूशन था उनका, वो आईटी क्षेत्र में था, फोन के क्षेत्र में, मोबाइल के क्षेत्र में, लैपटॉप बॉय कहा जाता था उन्हें। आज दुनिया में मोदी जी जो सेल्फी लेके घूमते रहते हैं, इसके लिए भी अगर याद करें तो राहुल राजीव गांधी जी को ही याद किया जा सकता है। तो इतनी बड़ी क्रांति हुई है, और आज इंडियन इकोनॉमी में आईटी जो बैक होम इकोनॉमी है, कि बाहर से जो पैसा घर में आता है वो तो सिर्फ आईटी के क्षेत्र से आता है। पूरी उन्होंने कल्पना की थी कि कैसे हमारा व्यवस्था जो है वो चरमराया हुआ है, कि रुपए का 4 आना भी नहीं, 14 पैसा जो है वो बर्बाद होता है, और 16 आने में हार्डली 4 पैसा जो है वो भी नहीं पहुंच पाता है गांव तक। ये उनकी कल्पना थी जो प्रैक्टिकल था। दुर्भाग्य ही कह सकता हूं मैं कि जब वो पूरी तरह से देश के लिए सक्षम होकर के एक नेतृत्व के देने के लिए था, तो प्रकृति ने हम लोगों से छीन लिया उन्हें। लेकिन राजीव गांधी के वक्त में जो युवा नेतृत्व देश के राजनीति में आया, वही आज देश चला रहे, चाहे इधर आया हो या उधर आया हो। उन्होंने चुन करके सैकड़ों ऐसे लोगों को देश के विभिन्न जगहों पे बैठाया जो बाद में अपने आप में बड़े नेता बने।